तो गाइस ये है पेट्रोल स्टडी प्रो 550 माइक, जो है मेरे पास ट्राइपॉड है, और उसके बाद जो है आ जाता है हमारा माइक, जो कि है मोनो माइक 420। इन दोनों का जो है मैंने अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर डाल रखी है, और ये दोनों को आप परचेस कर लो अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर क्वालिटी इस यहाँ पर बजट ट्राइपॉड की करूँ तो सबसे बेस्ट मुझे जो है पेट्रोन का जो है यही ट्राइपॉड लगा है। इसका प्राइस मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, देन हम चलते हैं यहाँ पर जो है मोनो माइक, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस्ट बजट यहाँ पर बात चल रही है, तो हमें माइक भी बजट वाले ही लेना पड़ेगा, और जो कि बेस्ट माइक लगा है मुझे, बोया M1 माइक से भी ज़्यादा बढ़िया माइक लगा है मुझे, ये है मोनो का माइक। और यहाँ पर ट्राइपॉड की आपको क्वालिटी यहाँ पर जो है मुझे लगभग ये 7 महीने हो चुके यूज़ करते, भाई इससे अच्छा ट्राइपॉड मैं अभी लेने वाला भी नहीं हूँ, और बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आपको फोकस करके बताता हूँ। और ये है हमारा माइक, जो कि है मोनो माइक। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको बेस भी इसका बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने जो है अपने चैनल पर डाली है, तो आप वहाँ से जाके पूरी अनबॉक्सिंग देख सकते हो, बट मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जो है इसको बहुत ही बढ़िया माइक मिलता है आपको। यहाँ पर कैमरे और PC वगैरह सब में कनेक्ट हो जाता है, जैसे आपकी क्वालिटी बायर की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है आपको सिर्फ 400 रुपये में। यहाँ पर इससे बढ़िया माइक आपको नहीं मिलेगा, अगर आप मार्केट में भी देखोगे या अमेज़ोन इस पर देखोगे तो। यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल का फोकस नहीं कर रहा है गाइस, ये बहुत ही यहाँ पर जो है बहुत ही इसकी हाइट भी बहुत बढ़िया है, तो आपको यहाँ पर जो है यूज़ करने में ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा। अगर आप बड़ी खड़े होकर वीडियो बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्राइपॉड है ये, तो मैंने अभी इसको छोटा करके रखा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो हो जाता है। तो गाइस ये दोनों चीज़ आपको लगभग 800 रुपये में पड़ जाएगी, क्योंकि ट्राइपॉड और जो है दोनों मिला के आपको 800 रुपये खर्च करना पड़ेगा, और बहुत ही बढ़िया आपके लिए यहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा यूट्यूब सेटअप लगभग। और बाकी मैं इंडोर में शूट कर रहा हूँ अभी, जो कि है ट्राइपॉड यहाँ पर जो है रखा है। अगर आपको यहाँ पर जो बजट ट्राइपॉड और ये है मैंने बता दिया आपको, आप 200 रुपये की LED लेकर बल्ब अपने घर में लगाओ और वहीं से शूट कर सकते हो, तो आपका ये। तो गाइस अब यहाँ पर वीडियो हो जाता है ख़त्म, मैंने आपको बता दिया। और अगर आपने मेरा इंडोर और आउटडोर शूटिंग मतलब किस प्रकार करना चाहिए, घर में करना चाहिए या बाहर करना चाहिए, उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाकर देख सकते हो। जैसे आपको इंडोर की तो पता चल ही रही होगी कि क्वालिटी और क्या है कॉन्सेप्ट, देन आउटडोर का मतलब जो है आउटडोर अभी मैं हूँ बाहर मतलब घर के बाहर, और इंडोर की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, दोनों में आप कहीं भी शूट कर सकते हो। मेरे को तो दोनों पसंद आते हैं, जैसे बाहर में क्लियरिटी ज़्यादा आती है और अंदर जो है थोड़ा घर पैक रहता है तो उससे क्लियरिटी कम आती है, बट जहाँ पर जो हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है बाहर हमें पूरी क्लियरिटी दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस वीडियो को करते हैं एंड, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक भी कर देना वीडियो को, क्योंकि मैंने जो ट्राइपॉड यहाँ पर पूरा रिव्यू दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।